बस थोड़ी दूर और हम ऊपर आ गए और हमारी मंजिल वहाँ सामने है। और यहाँ लिखा हुआ है प्रकृति का आनंद ले, प्रकृति को सौम्य में रखें, स्वच्छ सुंदर रखने में सहयोग करें। और अंकल जी भी एक एक स्टेप बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते हुए। और यहाँ पे एक छोटा सा चाय का दुकान है, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह अमूल कूल चिप्स वगैरह चाय आपको मिल जाएगी। दो दुकानें यहाँ पे। भैया बोले हाँ चल रहा है मॉडलिंग जो दिख रहा है उससे सीधा चाहिए। अच्छा वो जो सामने आपको घर दिख रहा है बस उसी के पीछे तुंगनाथ का मंदिर है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर के पास। और बारिश के बाद आने का फ़ायदा ये है कि चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और हमने तुंगनाथ गेट से जब हम अंदर आ रहे थे तो लिखा हुआ था कि यहाँ पे जितने भी फूल हैं या जड़ी बूटियाँ हैं उन्हें छूना मना है। और कुछ लोग अपनी यात्रा कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं और कविता भी मेरे साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और हम लोग बस कुछ ही देर में भोलेनाथ के मंदिर पहुंच चुके होंगे। और जब आप अक्टूबर में आते हो ना फर्स्ट वीक में तो आपको वैली में कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। देखो कितने खूबसूरत छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और वैली में चार चांद लगा रहे हैं, कमाल का व्यू है। और तुंगनाथ से बस थोड़ी सी दूरी पे हम हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। कमाल का व्यू आ रहा है यहाँ पे। तुंगनाथ से थोड़ी सी दूरी पे आप यहाँ बैठ भी सकते हो। चलिए मैं आपको इधर का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही कमाल का व्यू आ रहा है। ये देखिए इधर से कमाल का व्यू है ना। इसमें थोड़ा सा करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। कमाल का व्यू है। अगर शाम में आप ट्रैकिंग करोगे ना 3-4 बजे तो आपको ये व्यू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद जल्दी अंधेरा हो जाए। लेकिन आप सुबह निकलोगे तो आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। कमाल का व्यू है, कमाल का है, कमाल का व्यू है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आइए चलते हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। वो सामने तुंगनाथ का मंदिर दिख रहा है। पहुँच गए हम लोग, बहुत खुशी हो रही है। जय भोलेनाथ। कैसा फील हो रहा है?
इतनी खुशी कि बयान नहीं कर सकते। आ चुके हम लोग मंदिर के पास, बस 10 मिनट का और रास्ता। सांस से भी ओम नमः शिवाय निकल रहा है। रह चुका है, हम पहुंच चुके हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुंगनाथ का घोड़ा पड़ा है और यहाँ पे दुकानें भी हैं, यहाँ से प्रसाद वगैरह आप ले सकते हो मंदिर में पूजा कराने के लिए। और ये वॉशरूम है सामने, दिख रहा होगा आपको, ये वॉशरूम है सुंदर सा, ऊपर सोलर प्लेट लगा हुआ है। और वो सामने रिसर्च सेंटर है जहाँ पे जड़ी बूटी रिसर्च की जाती है, दिखा आपको? वो सामने रिसर्च सेंटर है, ये तुंगनाथ मंदिर के पास। ऊपर में जब टॉप में पहुँचोगे आपको तो नीचे ही से वो दिखने लगता है। और हम फाइनली मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। वो क्या है, कुंड है ना, ये दुकान है मंदिर के पास की, ये आकाश कुंड है। चलो आप देख लेते हैं। आकाश कुंड, और ये आकाश कुंड है मंदिर के नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ढेर सारे पंछी और कुछ इस तरह का व्यू आता है यहाँ से। और यहाँ भी ढेर सारे काले कौवे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से पूरा 360 का गढ़वाल हिमालय आपको दिखता है। तो आकाश कुंड से हम अब ऊपर बढ़ते हैं मंदिर की ओर। नहीं छोड़ दो, छोड़ दे। और दादा के दुकान से हम प्रसाद ले रहे हैं। छोटी वाली 10 बोल दी। हाँ, दादा बोल रहे हैं कि मंदिर के पास से आप प्रसाद लोगे तो महंगा पड़ेगा, यहाँ से लोगे तो कुछ सस्ता पड़ेगा। हाँ, दादा का ले ये दो निकल दाने दो पैकेट। हाँ, हाँ। 20, 40, 20, 60। तो हम यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, इलायची दाना लिया है, 90 रुपए हुआ, अगरबत्ती लिया है और कुछ चढ़ाने के लिए भगवान शंकर को। प्रसाद में नहीं करना है। और इनके यहाँ पे कढ़ी चावल, दाल चावल, पराठा सारा मिलता है। जैसे ही आप कुंड से ऊपर निकलोगे, चढ़ाई चढ़ोगे, आकाश कुंड से जस्ट ऊपर जैसे फर्स्ट चढ़ाई की चढ़ोगे, बस लेफ्ट साइड में उनकी दुकान है। तो आप यहाँ पे प्रसाद भी ले सकते हो और चाय नाश्ता भी कर सकते हो। तो हम चलते हैं यहाँ से आगे अब। और बस थोड़ी दूर पे हमारी मंजिल तुंगनाथ टेम्पल। तो यही चलते हैं। और कविता जी मुझे बीट करके आगे बढ़ती हुई और कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक कदम बढ़ाते चलो, मंदिर के करीब आप पहुंचते जाओगे। ओम नमः शिवाय। यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है, चंद्रशिला ट्रैक 1 किलोमीटर और लेफ्ट तुंगनाथ टेम्पल। तो हम लोग पहले चलते हैं,
भगवान के दर्शन को, भोलेनाथ के पास। जय भोलेनाथ। और हम पहुंचने वाले हैं। जय बाबा तुंगनाथ। और यहाँ पे हम अपनी कृपया दर्शनार्थियों से निवेदन है कि जूते चप्पल यहीं पर उतारें।